चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन रीड करो. टू आइडेंटिकल सोर्सेज इमिटेड वेव्स व्हिच प्रोड्यूसेस इंटेंसिटी ऑफ के यूनिट एट अ पॉइंट ऑन अ स्क्रीन वेयर पार डिफरेंस इज लैम्डा, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन अ स्क्रीन एट व्हिच पार डिफरेंस इज लैम्डा बाय 4. सबसे पहले एक स्क्रीन बना देते हैं. ये स्क्रीन हो गई. दो सोर्सेज हैं S1, S2. ये S1 कह दिया, S2 कह दिया, और सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बनेगा. ठीक है, एक पॉइंट यहाँ है, पहला पॉइंट ए कंसिडर कर लेते हैं. या दोनों वेव यहाँ पहुंची, आइडेंटिकल वेव है तो इंटेंसिटी दोनों की सेम होगी, और कोहेरेंट सोर्सेज होते तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी ठीक है सेम होगी. यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस है डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा के इक्वल है. और दूसरा पॉइंट हम थोड़ा ऊपर मान लेते हैं, नीचे भी मान सकते हैं बी पॉइंट. ठीक है, यहाँ पर जब दोनों वेव पहुंच रही हैं तो दोनों में पार्ट डिफरेंस है डेल्टा एक्स की वैल्यू है लैम्डा बाय 4. ठीक है, तो अगर पार्ट डिफरेंस पता है तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा फाइज इक्वल टू 2π बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स. तो ए पॉइंट का जो फेज डिफरेंस होगा, ए पॉइंट का फेज डिफरेंस कितना होगा, 2π बाय लैम्डा इनटू लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कट गया, डेल्टा फाइज इक्वल टू 2π के इक्वल हो गया ए पॉइंट का. अब बी पॉइंट का जो फेज डिफरेंस हुआ, डेल्टा फाइज इक्वल टू 2π बाय लैम्डा इनटू लैम्डा बाय 4. ठीक है, तो लैम्डा लैम्डा कटा, ये डेल्टा फाई बी पॉइंट का कितना आ जाएगा, पाई बाय 2. बी पॉइंट का फेज डिफरेंस आ गया, ए पॉइंट का भी पता है, बी पॉइंट का भी पता है. अब हम ये जानते हैं इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 रूट I2 इंटू कॉस फाई के इक्वल होता है. और इंटेंसिटी दोनों की सेम है क्योंकि आइडेंटिकल सोर्सेज हैं. तो I कहा हमने, तो आई नेट की वैल्यू क्या होगी, I प्लस 2I cos phi के इक्वल होगी, या आई नेट इज इक्वल टू 2I प्लस 2I cos phi के इक्वल होगी. 2I कॉमन ले लें तो 1 प्लस cos phi के इक्वल है. तो आई नेट इज इक्वल टू ये हो गया 2I ब्रैकेट में 1 प्लस cos phi. अब I net is equal to क्या हो जाएगा, 2I ब्रैकेट में 1 प्लस cos phi को 2 cos स्क्वायर phi by 2 माइनस 1 कर सकते हैं, 1 1 कट गया. सो I net is equal to क्या होगा, 2I ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर phi by 2. सो I net की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4I cos स्क्वायर phi by 2 होगी. अब दोनों की इंटेंसिटी का रेशियो हमको लेना है, तो A की इंटेंसिटी और B की इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, 4i cos स्क्वायर phi by 2, phi 1 by 2 कर दो, phi 1 by 2. ठीक है, ये क्यों नहीं लिख रहा, phi 1 by 2 ठीक, डिवाइडेड बाय 4i cos स्क्वायर phi 2 by 2 हो गया. तो 4i कटा, तो ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर phi 1 by 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर phi 2 by 2. करेक्ट है, तो अब जरा ध्यान से देखो, phi 1 इसको हम phi 1 कह रहे हैं, ये वैल्यू है phi 1, ये वैल्यू है phi 2. ए पॉइंट में फेज डिफरेंस 2 पाई का है, तो cos स्क्वायर 2 पाई अपॉन पाई हो गया, डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया, बाय 2 सॉरी 2 पाई बाय 2. ठीक है, नीचे क्या है, cos स्क्वायर phi 2 की वैल्यू है पाई बाय 2, पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, ये कितना हो जाएगा अगर ध्यान से देखो, तो cos स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर पाई बाय 4. तो IA अपॉन IB इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, cos पाई, पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 की वैल्यू cos 180 की वैल्यू माइनस 1 होती है, माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, और cos पाई बाय 4 मतलब cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, 1/2 होगा, 2 ऊपर चला जाएगा. तो IA अपॉन IB की वैल्यू क्या आ गई, IA अपॉन IB इज इक्वल टू 2 आ गई. और IA की वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ, IA की वैल्यू K के इक्वल है, नेट जो इंटेंसिटी है इस पॉइंट A पे वो K है. तो ये कितना हो जाएगा, K अपॉन IB इज इक्वल टू 2, इट मींस IB इज इक्वल टू K बाय 2 होगा. K by 2 कौन सा ऑप्शन सही है, B वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.